नेक्स्ट क्वेश्चन 2010 का सवाल है क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस थ्री डिस्टेंस थ्री आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज शेल ऑफ रेडियस आर इज ई सवाल ये द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाय टू फ्राम द सेंटर ऑफ द स्पेयर कितनी होएगी चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं जीरो ई ई बाई टू या फिर ई बाय थ्री हाँ बहुत सिंपल सवाल है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए सो so ये अगर आपका स्फेरिकल uh, शेल है जिसका रेडियस आर है इसको मान लीजिए हमने क्यू चार्ज दे रखा है सो so यहाँ पर क्यू चार्ज दे रखा है तो एट अ डिस्टेंस ऑफ थ्री आर बाय टू हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है ई uh, e. थ्री आर बाय टू के डिस्टेंस पे ई e है हमें ये बताना है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाय टू फ्रॉम द सेंटर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होएगी ई e के टर्म में ना ये बात हमें पता है कि अगर ये आपका कंडक्टिंग शल है इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होएगी राइट सो so, उसका इस ई e से कोई रिलेशन नहीं आएगा सो so, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए ज़ीरो वुड बी द राइट आंसर